हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यामान पे। दोस्तों, हम सभी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग ने कमेटी बनाई है, आखिर वो कमेटी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी और उस कमेटी में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि आज सभी जानते हैं कि आज बैठक थी सचिवालय में 11 जुलाई को कमेटी की, इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कमेटी ने डिसीजन लिया है और क्या कुछ अब तक न्यूज़ पहुंच रहा है, तमाम चीज़ों को आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे और हर बिंदु पे हम लास्ट तक डिस्कस करेंगे और डिटेल से समझेंगे कि क्या कुछ हो सकता है सक्षमता पास शिक्षक के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो सचिवालय का अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप सभी के लिए, जो शिक्षक कल से परेशान थे, स्पेशली उस बात को लेकर जो शिक्षा मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि हम पूरे बिहार में जो पोस्टिंग की बात जब उन्होंने कही, उन्होंने ये बात कही कि हम कुछ ही जगह पे हम पोस्टिंग मतलब करेंगे, हम पूरे बिहार को ट्रांसफ़र की नहीं छुएंगे, और उन्होंने ये कहा कि जो हस्बैंड वाइफ है उनको हम एक स्कूल में पोस्टिंग देंगे या आसपास देंगे और जो मेडिकली ग्राउंड है उनको हम जल्दी ट्रांसफ़र देंगे। तो उस बात को जो है कुछ शिक्षक ने नेगेटिव सेंस में लिया, या फिर ये कह लीजिए कि उनको ये ऐसा लगा कि जो पोस्टिंग है वो अपने जो एलोटेड जिला है उसमें ना हो करके जो भी वर्तमान जिला है वहीं पोस्टिंग कर दी जाए। ये सब बातें आप सभी के मन में कहीं ना कहीं है, तो इन बातों को भी मैं आज दूर करूंगा आप इस डाउट्स को, क्या आपको अपने एलोटेड जिला में पोस्टिंग मिलेगी या फिर जो आप प्रेजेंट जिला में हैं वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो को आज लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी नए अपडेट्स के लिए जरूर कीजिएगा बिहार की तमाम शिक्षक संबंधी न्यूज़ के लिए। दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पे एक न्यूज़ है जो आप देख रहे हैं कि जो शिक्षक का ट्रांसफ़र है अच्छी होगा, प्रखंड स्तर पर होगा, ये फैसले लिए गए हैं, ये तमाम बातें बेबुनियाद फर्जी न्यूज़ है। ऐसा कोई भी आज क्लियर कट यहाँ पे जो डिसीजन नहीं लिया गया सचिवालय के अंदर, जो भी न्यूज़ आपके सामने आ रहा है ग्रुप में, ये सारी न्यूज़ फर्जी, बेकार हैं, बेबुनियाद वाली बातें, ऐसा कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। क्या कुछ हुआ है मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा क्या कुछ आज अपडेट सचिवालय का है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कमेटी का जो रिपोर्ट्स है, सबसे पहले जो है इस बात को लेकर ये क्लियर कट मैसेज है कि आपकी पोस्टिंग जो आपको जिला अलॉट हुआ है, यानी कि आपकी पोस्टिंग आपके अलॉटेड जिला में ही होगी, इस बात को माइंड में बिठा लीजिए आप। सबकी पोस्टिंग उसके एलोटेड जिला में ही होगी, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट मिला है उसी में आपकी पोस्टिंग होगी, ये बात एकदम क्लियर कट है, कमेटी ने इस पर अपनी सहमति दे दी है, यानी कि आपकी पोस्टिंग आपके एलोटेड जिले में होगी, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अगला है कि पोस्टिंग अभी तक क्यों जो आसान है रैंडमली ही होगी, रैंडमली ही पोस्टिंग होगी अभी तक के जो आसार, हालांकि इसको फ्लेक्सिबल किया जा सकता है इस बेस पे कि जो आपको जिला अलॉट हुआ है तो वहाँ पर बहुत रिलीफ अगर सरकार कमेटी देगी तो वहाँ पे आपसे तीन ब्लॉक का ऑप्शन मांग सकती है, यानी कि जो जिला आपको आवंटित हुआ है सक्षमता पास करने के बाद वहाँ पे आपसे तीन ब्लॉक का ऑप्शन ले सकती है और मार्क्स बेस पे मेरिट वाइज उसको आपको चॉइस के तौर पर देगी, और आपकी पोस्टिंग अभी तक की जो आसान है रैंडमली आपको जो जिला आवंटित हुआ है उसमें होगी, और उसके अलावा जो है मार्क्स बेसिस पे होगी, यानी कि जो पहले से तय था वो अभी तक बरकरार है, यानी कि मार्क्स बेस पे आपकी पोस्टिंग आपको अपने आवंटित जिला में होगी, जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं और आपको भी न्यूज़ पता होगा कि नंबर बेस पे आपकी पोस्टिंग आपके अपने अलॉट जिला में होगी, ये बात अभी तक बरकरार है, कमेटी ने इसमें अभी कोई छेड़छाड़ नहीं किया और ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। बहुत आगे चेंज होगा तो आपके जो आपको अपना अलॉट जिला हुआ है उसमें आपके तीन ब्लॉक ऑप्शन ऐड हो सकता है और चौथा ओपन रहेगा कहीं भी आपको भेजने के लिए, यानी कि अगर आपके ज़िले में अगर 10 ब्लॉक हैं 11 ब्लॉक हैं तो तीन ब्लॉक आपने अपनी चॉइस के तौर पे दे दिए हैं, बाकी आठ ब्लॉक में भी आपको रैंडमली पोस्टिंग दी जा सकती है, अदरवाइज अगर आप उस कट ऑफ में नहीं आए तीन ब्लॉक की कट ऑफ में, तो ऐसा तब होगा जब सरकार आपके सुझाव को मानेगी, अन्यथा अभी तक आपको अपने ज़िले में कहीं भी रैंडमली पोस्टिंग दी जा सकती है। आगे है नियमावली रिव्यू टुडे नो फाइनल डिसीजन, आज बस बिहार के तमाम उन नियमावली को रिव्यू किया गया है जो हमारी शिक्षा संबंधी है, चाहे पोस्टिंग को लेकर हो, ट्रांसफर को लेकर हो, बहाली को लेकर, जितने भी नियमावली हैं सबको रिव्यू किया गया है और इस बात पे पहुंचा गया है कि इसमें क्या कुछ हम सुधार कर सकते हैं, इसका कोई भी फाइनल डिसीजन इस पर नहीं लिया गया है किसी भी तरीके का। जो भी आप न्यूज़ आप तक पहुँचे हो सारी न्यूज़ बेबुनियाद, बेखबर और फर्जी न्यूज़ आप तक पहुँच रही है, तो ऐसे में कोई भी आज फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है इस बात को लेकर कि हम आगे क्या करेंगे, अभी तक जो बात सामने ये है कि आपको अपने एलोटेड जिले में ही पोस्टिंग दी जाएगी। आगे आप देखेंगे
होम ब्लॉक पोस्टिंग को जो है ये ऑप्शन दिया जा सकता है। अब गृह प्रखंड जो है आपका, उसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वो भी कब, जो आपको अपना जिला अलॉट हुआ है उसके अंदर आपको अपना गृह प्रखंड भी मिल सकता है, जो अब तक ना मिलने की उम्मीद थी। तो ऐसे में उन शिक्षक के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है जो अपने गृह प्रखंड में जाना चाहते हैं। आगे सवाल है, कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक देगी? आखिरी कमेटी बनी थी 15 दिन के लिए, तो क्या इससे ज़्यादा समय ये लेगी? तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बात है ना कि मेरा खुद का ओपिनियन है कि कमेटी जो अपना रिपोर्ट है वो 22 जुलाई तक दे देगी, क्योंकि 23 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, क्योंकि मानसून सत्र में शिक्षक संबंधी काफ़ी मुद्दे विधानसभा में और विधान परिषद में गूंजेंगे, इसलिए सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कमेटी की अंतिम रिपोर्ट है वो 22 जुलाई से पहले जो है सौंप देगी। उसमें जो भी सुधार के लिए भी उन्होंने बदलाव किए होंगे वो आप सबके सामने आ जाएंगे। तो 22 जुलाई एक तरह से लास्ट डेडलाइन हो सकती है कमेटी की रिपोर्ट्स के लिए, क्योंकि 23 से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आगे आप देखेंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी फॉर विशिष्ट शिक्षक, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बन रही है इस कमेटी के द्वारा वो विशिष्ट शिक्षक के लिए बन रही है, बीपीएससी के लिए भी नहीं बन रही, क्योंकि उनका भी प्रोबेशन पीरियड है। तो विशिष्ट लिए यहाँ पे इस बात को देखा जा रहा है कि उनका जो पोस्टिंग हो, पोस्टिंग बाद जो उनका ट्रांसफ़र हो वो उनका एच्छी को जहाँ भी वो जाना चाहते हैं उनके उनसे उनके विकल्प लेके उनका जो ट्रांसफ़र किया जा सके। सपोज़ कीजिए कि अगर आपको अपने ज़िले में ट्रांसफ़र करवाना है पोस्टिंग के बाद, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, तो आपको 3 ब्लॉक का ऑप्शन देना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके जो सक्षम प्राधिकार हैं, जो DEO DPO हैं, वो आपका ट्रांसफ़र करेंगे आपके आवेदन को लेकर जब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। अगर आप अंतर जिला जाना चाहते हैं तो आपका ट्रांसफ़र जो है प्राइमरी डायरेक्टर करेंगे या सेकेंडरी डायरेक्टर आपके करेंगे, आपसे ऑप्शन लेकर आपके जिले में जाना चाहते हैं। तो ये सब जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बन रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि नियोजित शिक्षक का ट्रांसफ़र पर आज तक कोई नियम बना ही नहीं है, जिसको लेकर कि अब विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनके ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाई जा रही है। इससे पहले जो भी कुछ था, जो 1994 या 99 से बहाल शिक्षक उनके लिए नियम था जिला कैडर के ट्रांसफ़र के लिए, फिर आपका जो है उसके बाद आपका 34,500 जो कोड शिक्षक का जो है नियम बना ट्रांसफ़र के लिए, उनके लिए भी ये प्रावधान था कि उनको अपना गृह प्रखंड नहीं मिलेगा 34,500 शिक्षक के लिए, गृह प्रखंड को छोड़ के बाकी प्रखंड में उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। जबकि विशिष्ट में इस चीज़ को एक राहत दी जा रही है कि आपको अपना गृह प्रखंड भी ट्रांसफ़र के लिए मिल सकता है, जो चेंजेस हो सकता है कमेटी की तरफ से। इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर जो है यहाँ पे आप देखेंगे अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बन रही है वो इसी तरीके का बनेगा जो मैंने आपको ही बताया। आगे आप देखेंगे पोस्टिंग में भी बिफोर 5th सितंबर, ऐसा अनुमान कह सकते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो सक्षमता का परीक्षा का नोटिफिकेशन जो सेकेंड सक्षमता है उस पर जो कुछ भी होना है कि इस महीने में हो सकता है, और अगस्त तक एग्ज़ाम लेके उसका रिजल्ट देकर आपका एक उम्मीद है कि आपको सितंबर महीने में आपको पोस्टिंग दे दी जाए सक्षमता पास शिक्षक की। हालांकि इस बात को पहले से तय किया जा चुका है कि इस बार 15 अगस्त पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि हमने जो नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, तो 15 अगस्त को इसकी घोषणा भी हो सकती है, जो आप सब देखेंगे मात्र अभी से एक महीने बाद। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि पोस्टिंग का जो मैंने बता दिया कि ये जो है आपका सितंबर तक पोस्टिंग जाएगा, उससे पहले कोई चांस नहीं है, क्योंकि और अगर सितंबर में पोस्टिंग नहीं हुआ तो इसके बाद आपका शीतकालीन सत्र है, विंटर सेशन है, उसमें बहुत हंगामा होगा, इसलिए सरकार इससे बचने के लिए हर हाल में मानसून सत्र के बाद आपका पोस्टिंग कर देगी। इसके अलावा जो आप देखेंगे बहुत सारी बातें जो हमारे सामने निकल के ये आ रही है कि जो भी चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आ रही है, जो आपके में डाउट्स है कि हमको अपना अलॉट जिला मिलेगा नहीं मिलेगा, अलॉटेड जिला वो आपको मिलेगा, उसमें आपकी पोस्टिंग होगी, तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि लगभग 90% से अधिक शिक्षक को अपना जिला मिल चुका है जो उन्होंने प्रेफरेंस के तौर पर दिया था। जिनको नहीं मिला उनके लिए सरकार विचार कर सकती है अलग से, लेकिन जिनको मिला हुआ है उनकी पोस्टिंग उसी जिले में होगी जो उनसे जिला उनको अलॉट किया गया है। ऐसे में 187,000 शिक्षकों सरकार निराश नहीं करेगी। इसके अलावा जो 85,000 शिक्षकों ने फॉर्म भरा है सक्षमता सेकंड का, उनका भी एग्ज़ाम जल्द लेकर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी, इसका साफ साफ ओवरऑल मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कमेटी की अभी कोई फाइनल रिपोर्ट्स नहीं आई है, वेट करना होगा 22 जुलाई तक, तब उसकी रिपोर्ट्स आएगी, उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय होगा। लेकिन जो बात पहले से तय है वो ये है कि आपकी पोस्टिंग आपकी अपने एलोटेड जिला में होगी और रैंडमली होगी और मार्क्स बेसिस पे होगी, और हो सकता है कि आपको अपना इसमें आपको अपना गृह प्रखंड का ऑप्शन दे दिया जाए, और बहुत रिलैक्सेशन मिला तो ये मिल सकता है कि आपको 3 ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाए आपको अपने एलोटेड जिला में पोस्टिंग के लिए।
इतना ही कुछ आपको मिल सकता है, प्लस आपको छुट्टियाँ मिल सकती है, उनको कंपनसेट किया जा सकता है, जो छुट्टी आपकी काटी गई है, गर्मी छुट्टी, त्यौहार छुट्टी, उसको आपको दिया जा सकता है, उस छुट्टी को मेकअप किया जा सकता है, त्यौहार में छुट्टी बढ़ाई जा सकती है, यही सब चीज़ यहाँ पे किया जा सकता है। फिलहाल के लिए यही अपडेट्स मुझे आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।